भाई वो एक तरह वो कीचड़ है, ये कीचड़ का मैंने माने भी पता है कि भाठों मारांगा मैं तो मैं छाटा मारे भी लागेंगा, लेकिन लास्ट में मजबूर हो गए, लेकिन लास्ट में अगर मजबूर हो गए माने फिर कोई ना कोई कदम तो उठाना पड़ोगे, भाई मारी जान का खतरा है। मेरे गाँव का मैं दुकान है वारिशपुरा गाँव में, वंश की कंपनी का नाम दुकान है मेरी बड़ी जी, तो वो आके भी को कैमरों तोड़ा है, पहले चोड़ तो कैमरों तोड़ के गेट खोला है, गेट खोल के घर के मायन घुस जाए, घुसने के बाद में बरामदम जाके भी मायन कमरे में जाके मेरी माँ पत्नी और बच्चा सुत गया, और बन जाके वो दिखा जाना भाई एकदम से घबरा जाए, क्योंकि वो इतनो माहौल बना रहा है कि वो इतनो भी कह मुकदमा ही कोई डीपी चोरी का ही मर्डर को भी है, भी कह मर्डर को भी चल रहा है, मेरी जमानत पर आइड है वो, और भी डीपी चोरी का ही मुकदमा चल रहा है भी कह। दोस्तों फिलहाल झुंझुनू के सदर थाना के ऊपर उपस्थित था ग्रामवासी ही जो अभी आ रहे हैं वारिशपुरा, की बात है कि वो जो आज ये लोग एकत्रित हो रहे हैं पूरी जानकारी मिले इस वीडियो में बने रहो लास्ट तक देखेगा तो पूरी जानकारी जो तनिक मैन मिल जाएगी। सर सो पहले तो थारो परिचय करवा दो। मेरा नाम नवीन है जी, गाँव मेरा वारिशपुरा जी। ये मामलो है कि वो जो आज जो थाना के ऊपर आके बातचीत करी जा रही है, ये है कि हमारा गाँव को एक प्रदीप नाम करके है बदमाश प्रवृत्ति को व्यक्ति है, तो वो क्या है कि गांव का मैंने भय का वातावरण बना रखे है, पूरा गांव चैन की नींद गुंसो का, क्योंकि वो एक एम्बुलेंस गाड़ी रखा है और भी एम्बुलेंस हूँ वो दारू अफीम गांजो आए काम करे भी एम्बुलेंस हूँ, तो वो चार पांच से जहाँ आवारा हुए आस पास का नाम बैठा लिया है, और जब भी आवा गाँव का मैंने पूरा गाँव का मैंने गाड़ी घुमा गाड़ी लेके, तो कोई भी चैन की नींद सो कौन पा रही बार, इसलिए मैं प्रशासन में आया कि भी के ऊपर कार्रवाई करी जा, जो भी वो घटना कर रहे है का मैं वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। अब वो क्या है कि 14 तारीख ना आयो है, 14 तारीख ना आगे, और मेरे गांव का मैं दुकान है वारिशपुरा गांव में वंश की कंपनी का नाम दुकान है मेरी बड़ी जी, तो वो आके भी को कैमरों तोड़ा है, पहले चोट तो कैमरों तोड़ के गेट खोला है, गेट खोल के घर के मैन घुस जाए, घुसने के बाद में बरामदम जाके भी मायन कमरे में जाके मेरी माँ पत्नी और बच्चा सुत गया, और बन जाके वो दिखाया जाना भाई एकदम से घबरा जाए, क्योंकि वो इतनो माहौल बना रहा है कि वो इतनो भी कह मुकदमा ही कोई डीपी चोरी का ही मर्डर को भी है, भी कह मर्डर को भी चल रहा है, भी मेरी जमानत पर आइड है वो, और भी डीपी चोरी का ही मुकदमा चल रहा है, भी कह ये कारण वो दिखता ही सब भयभीत होगा, वो आके बन बुझियो बन बोले बोलो कि नवीन कड़े है, और बोले मैं जब तक दम नहीं लूँगा जब तक तान खत्म नहीं करूँगा। की वजह तो के को पीछे के वो यही चाह रहे हैं कि मैं एक गुंडो बनना चाहूँ, बेका घर का या चाह रही घर का या कह रही घर का नहीं कही कि भाई कोई मारी गलती है कुछ बात है तो वह बताओ, यही करे बेका माँ बाप बोले मारो बेटो तो यही करेगो, तो चार दिन होगा मुकदमा दर्ज कराया वो सुत्यो पकड़ के ले जाओ, ना कोई प्रशासन ले जा सके ना कोई भी और कुछ कर सके, मारो बेटो तो यही राज करो। आज अभी थाना में आया वो बातचीत करी है कि अब दयाराम जी जब बातचीत करी है गाँव में संतुष्ट हो अन बताई है कि वीडियो वगैरह जो भी घटना ही पूरा काम साथ में आ गया बताई कि भाई सगड़ा परेशान है हमें, तो भी को कोई उचित कानूनी तरीको करो, मैं यह कोचा कि भी के साथ और कोई बेकुछ करा नहीं, लास्ट में मजबूर होना मान ओढ़ो पड़ोगे, भाई वो एक तरह को कीचड़ है, भाई कीचड़ का मैंने माने भी पता है कि भाई भाठों मारांगा मैं तो मैं छाटा मारे भी लागेंगा, लेकिन लास्ट में मजबूर हो गए, लेकिन लास्ट में अगर मजबूर हो गए माने फिर कोई ना कोई कदम तो उठाना पड़ोगे, भाई मारी जान का खतरा है, वो बार बार धमकी दे रहे हो कि मैं जान से मारूंगा, तो अगर नहीं प्रशासन भी नहीं अगर कोई कार्रवाई करोगे तो भी पर भी पत्थर ले मार के पूरा डब फर गिरागा बैठा को कि कीचड़ उठ ही नहीं सके, लास्ट में मजदूरी मानिया काम करना पड़ो, लेकिन अब साबु मिल गया हमें वह मान आश्वासन दिया है कि वो जो कार्रवाई है वह तरीकों करागा कानून तरीकों पर संतुष्ट हो जाओ। बिल्कुल सरपंच जी गाँव को ये मामलो है कि तरीका देखो कि जद यहाँ का लोग हैं तो के बातचीत अभी करी जा रही है। अभी थाना अधिकारी साहब से मिले तो उन्होंने ये बताया है कि निष्पक्ष रूप से इसकी जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी, और ऐसा माहौल पैदा हो रहा है सर उसको बिल्कुल रूप से वो प्रथम दृष्टि से देख रहे हैं। अभी तक जय देखा कि 3 दिन हुआ गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो अभी आगे भी कोई प्रयास किया जाएगा कि अगर थाना में नहीं हुआ है तो SP तक या फिर। हाँ तो नवीन ने मेरे को बताया तो मैंने उसके पिताजी से बात की तो उन्होंने ये कहा कि मैं कल मिलूँगा कल बात करेंगे, तो मैंने उनको ये कहा कि ये मामला ठीक नहीं है, 3-4 दिन तो इसको सोए हो गए और ये डिप्रेशन में आया हुआ है, तो इस मामले में अपने बेटे को समझाओ भाई क्या मामला है या हमारे को बताओ ये मामला है तो बात करेंगे, तो उन्होंने ये कहा कि कल बात करेंगे, आज तो मेरे को टाइम नहीं, वो कहीं गए हुए हैं आज, और ऐसे साहब ने पूरी तरह से संतुष्ट किया है कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे इसकी पूरी इसकी जाँच करेंगे।
मामले की। तो दोस्तों वारिसपुरा ग्राम पंचायत का जो लोग हैं पूछ रहे हैं अभी सदर थाना में आज ये गांव को एक जो कोई युवक बताया जा रहा है अनावश्यक रूप में जो गतिविधि करी जा रही है, जो लोगों परेशान करा जा रहे हैं बी के खिलाफ में, और अब ये चाहूँ कि प्रशासन भी पर कार्रवाई करे, अन्यथा गांव का ही जो खुद ये चीज़ ने आपके खुद की जिम्मेदारी लेके ये पर कुछ करेगा तो प्रशासन के साथ में हो सके कि और भी बड़ी समस्या खड़ी हो जाए। ग्रामवासियों बातचीत करिए, जानकारी ली, वीडियो के बारे में जो भी थारा विचार है जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बने रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।